सौरभ आपको स्वागत करता हूँ मैटिस डिजिलर का YouTube चैनल। मैटिस डिजिलर इज द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैटिस कम्युनिटी पॉइंट व्हिच इज अ पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग रेलवे SSC एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपेयर्स। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब हम कुछ सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं उसको याद करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता, याद भी रह जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वो हमारा याद रह जाता है। हमारा जो मेमोरी है हमारे साथ इतना पार्शियलिटी क्यों करता है? क्यों जो चीज हम याद रखने के लिए कोशिश करते हैं उसको याद नहीं रहता, लेकिन जो चीज को याद करने के लिए कोई इरादा भी नहीं था वो याद रह जाता है। अगर हम हमारा जीवन में पास्ट को चले जाएंगे और इवेंट्स को एनालिसिस करना चाहेंगे और याद करना चाहेंगे तो आप देखेंगे जो चीज यूनिक था, जो बात इंटरेस्टिंग था, जो रेडिकुलस था, जो इंपॉर्टेंट था, जो हमारा इमोशन से अटैच था, वही चीज हमारा याद है। जैसे कि कुछ अच्छा चीज, कोई इंसल्ट होता है, कोई बहुत बड़ा प्राइज होता है, वो चीज हमारा याद रह जाता है। इसका मतलब है जो चीज हमारा मेमोरी याद कर पाता है वही चीज को वो याद रखता है। इसके लिए हम आज एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिस तरीका को अप्लाई करके हम हमारा मेमोरी को 200% इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, 200% इंप्रूव कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला बताने वाला हूं जिस फॉर्मूला मेमोरी टेक्निक को अप्लाई करके आप अपना मेमोरी को कोई गुना आप डेवलप कर सकते हैं। अभी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम लेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स को हम याद करेंगे, हमारा परमानेंट मेमोरी स्टोर करेंगे और जब चाहेंगे उसको याद कर पाएंगे। द ऑब्जेक्ट्स आर ट्री, मैंगो, एरोप्लेन, पेंसिल, टाइगर, डेली, रोबोट, फ्लावर, मोबाइल, बस, कैट, चॉकलेट, हीरो, गन एंड बुक्स। दीज आर द 15 ऑब्जेक्ट्स नेम्स। हम उसको याद रखना है। हम अगर कोई हमको पूछे हम स्टार्टिंग से एंड तक बता पाएंगे, एंड से स्टार्ट तक बता पाएंगे, और अगर उसके बीच में कोई नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लावर आपको बताऊंगा तो आप फ्लावर के बाद कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स नेम है वो आपको बता पाएंगे और पहले भी कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स आप बता पाएंगे। इसको जानने के लिए हम एक टेक्निक सीखेंगे जो बहुत पॉपुलर मेमोरी टेक्निक होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंक मेथड। कोई कोई उनको चेन मेथड बोलते हैं और स्टोरी मेथड भी बोलते हैं। एक बहुत पॉपुलर मेथड होता है जिसको अप्लाई करते ही, जिस टेक्निक को अप्लाई करते ही आपका मेमोरी कोई गुना बढ़ जाएगा। अभी इसको मेमोराइज करने के लिए हम मेमोरी का 3 प्रिंसिपल यूज करते हैं। द प्रिंसिपल्स आर द पावर ऑफ इमेजिनेशन, द पावर ऑफ एसोसिएशन एंड द पावर ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग। हम उस जो ऑब्जेक्ट है उसको याद करना है, इमेजिन करना है। जब इमेजिन हम करेंगे तो हम सोचेंगे आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी, हम हीरो है, आई एम इन्वॉल्व इन दैट, आई विल इमेजिन विद कलर विद साउंड ऑल द थिंग्स आई विल मेंटेन। देन हमको एक को और एक के साथ एसोसिएट करना है। तीसरा, हमको जैसे पता है जो यूनिक होता है, वो रेडिकुलस होता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है, वो हमारा मेमोरी अच्छी तरीके से याद कर लेता है और हमारा परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसके लिए हम वो चीज को रेडिकुलस हिसाब से याद करेंगे। अभी हम एक स्टोरी बनाएंगे क्योंकि स्टोरी हमारा माइंड अच्छी तरीके से याद कर लेता है। अब सुनिए, मैं एक स्टोरी बताता हूं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए इस स्टोरी में। देखिए, आप एक ट्री के नीचे खड़े हो, उस ट्री से एक बहुत बड़ा मैंगो गिरा, बहुत बड़ा मैंगो गिरा क्योंकि हम उसको रेडिकुलस कर रहे हैं। वो मैंगो गिरते ही वो एरोप्लेन बन गया। आप एरोप्लेन के अंदर चले गए, बैठ गए, अब देखिए बहुत सारे पेंसिल से, देन आप वहां से बैठे बैठे पेंसिल में एक टाइगर का आर्ट करने लगे। देन वो एरोप्लेन जाके दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग हुआ। जब आप एरोप्लेन से उतरे तो आप देखे बहुत सारे रोबोट ने खड़े हैं और रोबोट की हाथों में वो फ्लावर है,
वो रिसीव करने के लिए आए आपको, उनके हाथ में फ्लावर है, वो आपको फ्लावर दिए, वो फ्लावर आपका हाथों में आते ही वो एक मोबाइल फोन बन गया। आप घर को जाने लगे तो जाने के लिए आप बस में बैठ गए, आप देखे वो बस का जो ड्राइवर है वो एक कैट है, एक कैट बस को जला रहा है, वो चॉकलेट खा रहा है, वो जो कैट खा रहा है वो चॉकलेट खा रहा है। अपने पीछे से मोड़ कर देखे, देखे एक हीरो वहां पे बैठा है, हीरो बैठा है, उसके पॉकेट में गन है, उसके पास एक गन है, आपको देखते ही वो शूट करना आपको शुरू कर दिया, और वो गन से गोली नहीं आया, बुक्स भगत आ गया, बुक्स आ गया। देखिए इस चीज को हम एक स्टोरी में याद किए। अगर मैं आपको बताऊं ट्री से क्या गिरा, क्योंकि यू आर द हीरो, यू आर पार्टिसिपेंट, यू आर द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ट्री से मैंगो गिरा, जो मैंगो बहुत बड़ा मैंगो था, और मैंगो गन बन गया, एरोप्लेन बन गया, एरोप्लेन के अंदर क्या था, पेंसिल था, पेंसिल में आप क्या किए, टाइगर किए, वो कौन सा कौन जगह पे लैंडिंग किया, वो दिल्ली पे लैंडिंग किया। तो आप जब लैंडिंग किए एयरपोर्ट पर, आप देखे कौन सब खड़े थे, रोबोट ने खड़े थे, आप देखे रोबोट ने आपको कौन दिए, फ्लावर दिए, और फ्लावर आपको हाथ में क्या हो गया, मोबाइल हो गया। तो आप कहां पे जाने लगे, बस में जाने लगे, बस का ड्राइवर कौन था, वो कैट था, कैट क्या खा रहा था, वो चॉकलेट खा रहा था, और पीछे सीट में कौन बैठा था, एक हीरो है जो शाहरुख खान बैठा था, वो हीरो के पास क्या था, गन था, वो जब आपको गन शूट किए तो आपका पास क्या आया, बुक्स आया। दोस्तों देखिए इस तरह से आप याद करेंगे तो आप ये पूरा याद रह जाएगा। अगर कोई हमको पूछे कि रोबोट के बाद क्या था, देखिए रोबोट का बाद आप याद करेंगे कि रोबोट के हाथ में फ्लावर था, आप बता पाएंगे। अगर कोई पूछेगा पेंसिल से पहले क्या था, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर पेंसिल था। इस तरह में आप उसको प्रैक्टिस करके अप्लाई करके आप इस ट्रिक से बहुत सारे चीज को मेमोराइज कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, मेमोरी टेक्निक। बहुत सारे टेक्निक से जो टेक्निक हमने दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हैं, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। ये टेक्निक अप्लाई करते ही आप कोई भी सब्जेक्ट को याद कर पाएंगे। अभी आपके माइंड में एक चीज आता होगा, इस फॉर्मूले को, इस मेमोरी टेक्निक को हम हमारा सब्जेक्ट्स में पढ़ाई में कैसे याद करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो आपका पढ़ाई का होता है, जिसको आप याद कर पाएंगे। अगर कोई आपको पूछे व्हाट आर द एटमॉस्फेयर लेवल, एटमॉस्फेयर का 5 लेवल होता है जो आपका सब्जेक्ट में आता है, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसको याद करने के लिए हम लीन मेथड यूज करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे। आप सोच लीजिए, आप जब स्टोरी बनाएंगे, आप आग बनकर यू विल बी बिकम अ कैरेक्टर, कैरेक्टर बन के आप स्टोरी बनाएंगे। आप फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो, जो भी गेम आपको पसंद लगता है, फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते ही आपने जीते, मैन ऑफ द मैच बने, आपको ट्रॉफी मिला। जब ट्रॉफी आप खोले उसके अंदर स्ट्रॉ निकला, स्ट्रॉ लेके आप माजा पीने लगे, आपने देखे कि आपका एक फ्रेंड आ रहा है जो आपको माजा लेने के लिए जाता है, तो आपने क्या किया, आपका जो थर्मोप्लास्ट था उसके अंदर वो माजा को रख दिए, वो फ्रेंड आया, वो जो थर्मोप्लास्ट था उसको फेंक दिया, वो जाके एक बिल्डिंग की एग्जॉस्टेड फैन जो था उसमें बाजकर गिर गया, वो एग्जॉस्टेड फैन टूट गया। देखिए ये स्टोरी के हिसाब से अगर आप याद करेंगे आप याद कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो स्पीयर होता है वो कॉमन आता है। आपको सिर्फ याद करना है ट्रॉफी से ट्रोपो आ गया, स्ट्रॉ से स्ट्राटो आ गया, माजा से मेजो आ गया, थर्मोप्लास्ट से थर्मो आ गया, और एग्जॉस्टेड फैन से एक्जो आ गया। तो इस स्टोरी को अगर आप याद कर पाएंगे, इसको याद रखने से, क्योंकि स्टोरी बहुत जल्दी याद रह जाती है, ये स्टोरी बहुत रेडी क्लोज होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर पाएंगे। इस स्टोरी को अब याद करने से आपको याद रह जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की मिस होता है क्या, वो एक्चुअली एक की बात एक को करने से जो सीरियल होता है ना उसको मिस कर देते हैं, उसको याद रहता है 5 जो एटमॉस्फेयर लेवल याद रहता है, लेकिन वो जो सीरियल होता है वो मिस कर देते हैं। लेकिन इस मेथड में करेंगे तो कोई भी सीरियल आपका मिस नहीं होगा। दोस्तों
हम आज एक और एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे जो सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर ब्रदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का होता है वहां पे 8 स्टेट्स होता है, वहां पे 7 स्टेट को 7 सिस्टर्स बोला जाता है और एक स्टेट्स को बोला जाता है देयर ब्रदर। दो स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। दीज 7 सिस्टर्स एंड देयर ब्रदर इज सिक्किम। ये 7 सिस्टर हुए और ब्रदर क्यों सिक्किम हुए, क्योंकि उनके बीच में जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो थोड़ा सा अंदर आ गया है, इसलिए वो अलग हो गए हैं। वो 7 सिस्टर एक जगह पे रह गए और जो सिक्किम है वो थोड़ा सा अलग हो गया हमसे। तो हम 7 सिस्टर्स है स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट का होता है और उनकी ब्रदर का नाम हम याद रखेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश से हम एक स्टोरी लेते हैं। अरुण, यू फील यू थिंक अबाउट दिस, योर नेम इज अरुण। आप एक आश्रम गए, आश्रम बाबा की दर्शन करने के लिए गए, साधु की दर्शन करने के लिए गए। अपने आश्रम के अंदर जब घुसे आप देखे वहां पे मणि है। मणि मीन्स सम ग्लिटर थिंग्स इज स्टेइंग देयर। आपने सोचे मणि को अगर मैं ले जाऊंगा मैं हैप्पीनेस और अवेयरनेस मुझे मिल जाएगा। तो आपने देखे जब मणि के पास आप गए, देखे एक लड़की आया, उनका नाम था मेघा। मेघा के हाथों में एक MI का मोबाइल था जो राम राम बोल रहा था। वो आपको बताया कि आप उन्हें मत पकड़ो क्योंकि नागा साधु आ रहा है। नागा साधु जो आए, आपने देखे नागा साधु की हाथों में त्रिशूल था। नागा साधु आपको बताए कि आप क्या चाहते हो, आपने बताए मैं चाहता हूं हैप्पीनेस एंड अबंडेंस, मुझे समृद्धि चाहिए। तो नागा साधु ने आपको गिफ्ट में सिक्के दिए। उसने बताया कि आप इस सिक्के को ले जाओ, उसके आपके पास रखो, आपका पास खुशी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ, हैप्पीनेस सब आ जाएगा आपके पास। तो हमने उसको लेके घर आए। देखिए अरुण से अरुणाचल प्रदेश आ गया, आश्रम से आसाम आ गया, मणि से मणिपुर आ गया, मेघा से मेघालय आ गया, मिजोरम MI जो राम राम बोल रहा था से मिजोरम आ गया, नागा साधु से नागालैंड आ गया, और त्रिशूल से त्रिपुरा आ गया, और सिक्का से सिक्किम आ गया। देखिए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे इसको हम याद रख पाएंगे और जिंदगी भर याद रख पाएंगे, जब चाहेंगे इस स्टोरी को याद करके हम याद कर पाएंगे। दोस्तों कैसा था एक टेक्निक, आप मुझे हमारा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए, दिस इज वेरी पॉपुलर टेक्निक। इसको अप्लाई करते ही आपका मेमोरी कोई गुना बढ़ जाएगा। इस मेमोरी को छोड़ के बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स है जो डिफरेंट जगह पे अप्लाई होता है। आप इस टेक्निक को अप्लाई करके सब इंडिया का सब स्टेट्स का नाम याद रख सकते हैं, उड़ीसा का सब डिस्ट्रिक्ट होता है उसको याद रख सकते हैं, आप कंट्री कैपिटल याद रख सकते हैं, आप स्टेट्स अंदर कैपिटल याद रख सकते हैं, बहुत सारे चीज आप याद कर सकते हैं इस टेक्निक को अप्लाई करके। इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हम हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास और इंटरेस्टिंग वीडियो का इंफॉर्मेशन आसानी से मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।